कोरोना वायरस प्रकोप के चलते आपातकालीन स्थिति में गरीबों को राशन मिलना दुश्वार दिखाई दे रहा है। ताजगंज क्षेत्र में घटतौली और गरीबों को यूनिट के हिसाब से राशन कम दिए जाने की शिकायतें सबसे ज्यादा मिल रही हैं। मीडिया के माध्यम से हाल ही में सदर सेवला जाट स्थित त्रिलोक चंद अग्रवाल, जगजीत नगर स्थित ऋषि गुप्ता और गोबर चौक स्थित विजय सिंह आर्य की दुकान पर गरीबों के राशन की चोरी करना पाया गया, लेकिन ताजगंज क्षेत्र पूर्ति निरीक्षक घटतौली और राशन की चोरी करने वाले कोटेदारों पर कार्रवाई करने की बजाय गलत कोटेदारों की पैरवी करने में जुटे हुए हैं। गरीबों के हितैषी निष्पक्ष कार्रवाई के प्रतीक जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद मिश्रा का कहना है कि गरीबों का राशन चोरी करने वालों पर आज नहीं तो कल कार्रवाई की जाएगी, जांच जारी है। ताजगंज क्षेत्र से जो वर्तमान में वितरण चल रहा है उसमें 3 दुकानों की शिकायत हमें प्राप्त हुई थी मीडिया के माध्यम से और शिकायतकर्ताओं के भी माध्यम से, जिसमें एक दुकान का मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण किया गया था जो त्रिलोक चंद्र अग्रवाल का है सेवला जाट में। उसमें एक कार्ड धारक के द्वारा ये बताया गया था कि उसे कम राशन दिया गया है, जिसमें तात्कालिक रूप से उनके 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। इस संबंध में आप अपना पक्ष रखें। दूसरा मामला था ऋषिकेश गुप्ता के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में ये मामला आया था कि उनका स्टाफ कम है, परंतु क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा यह अवगत कराया गया था कि उनकी दुकान इसी माह 1 माह पहले ही हुई है और जो जिस दुकान से उनकी दुकान का निर्माण हुआ है कार्ड आए थे वहाँ से खाद्यान्न का ट्रांसफर नहीं हुआ था, जिस कारण से तात्कालिक रूप से उसमें भी जो पूर्ति निरीक्षक है कि अभी तक क्यों उन्होंने खाद्यान्न ट्रांसफर नहीं कराया और इस तरह का क्यों किया, इसके संबंध में उनसे भी जवाब मांगा गया है। और तीसरा प्रकरण अभी विजय सिंह का जो कल परसों में आया है, उसमें एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुआ था जिसमें कुछ महिलाओं के द्वारा ये बताया जा रहा था कि उसे खाद्यान्न कम मिल रहा है, तो उस संदर्भ में भी पूर्ति निरीक्षक को जांच के लिए दिया गया था। पूर्ति निरीक्षक द्वारा अभी जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है कल वाले प्रकरण का, तो वो रिपोर्ट प्राप्त हो जाता है तो उसके अनुसार हम उसमें जैसा भी होगा कार्रवाई करेंगे। देखा जा रहा है जो पूर्ति निरीक्षक है वो उन्हीं कोटेदारों के साथ हो गया है और खुलकर उनके समर्थन में आ गए, कितना उचित है उसका खुल के उन कोटेदारों के समर्थन में आना? नहीं, पूर्ति निरीक्षक को किसी के समर्थन में आने या न आने का कोई प्रश्न नहीं है, उनका काम केवल जांच करना है और बोलबंदी करना नहीं है। विक्रेता भी परिवार का सदस्य है, विक्रेता को भी ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान क्रूशियल टाइम में अगर वो गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसमें उसको बेहिचक रहना चाहिए कि इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और पूर्ति निरीक्षक को भी अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए कि जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से जो सही निर्णय है निष्कर्ष है उसे हमें अवगत कराएं। अगर हमें इन प्रकरणों में जांच में कहीं से भी संदेह की स्थिति होगी तो पूर्ति निरीक्षक की जांच का भी हम जांच करा लेंगे और उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सबसे प्रमुख है हमारा जो मीडिया है उसका मुख्य काम यह है कि जहां पर कमियां हैं उसे उजागर करें, अतः मीडिया को कभी भी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये इस कारण से ऐसा किया जा रहा है। हाँ, ठोस साक्ष्य हो आपके पास तो मीडिया जो भी ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ भी देखा जा सकता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई आपकी कमियों को बता रहा है और उस कमियों के को दूर करने की जगह पर उसमें कार्रवाई करने की जगह पर किसी को प्रयोग किया जाए तो ये हमारी तरफ से कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा और इसे कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा, बल्कि ऐसा करने वालों को भी बेनकाब किया जाएगा। ना ऐसा सोचना भी संभव नहीं है और हम ऐसी चीज़ों को देखेंगे जैसा कि आपके द्वारा प्रकरण में बताया गया है, ऐसी किसी भी स्थिति को पैदा नहीं होने दिया जाएगा। हमारा आपसे भी और सबसे अनुरोध है कि सभी मिलकर के इस आपात स्थिति में जनता के सहयोग और कार्डधारक के हित के लिए काम करें, चाहे वो हमारा डीलर हो, चाहे हमारा स्टाफ हो, चाहे हमारा पत्रकार बंधु हो, सबका उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को जो मिलना है वो मिल जाए और इसके लिए ही प्रयास होना। इसमें देखा गया है कि राहुल कश्यप नाम का व्यक्ति है जिसको उन्होंने पाल रखा है अजय प्रसाद जी ने और उसके माध्यम से वसूली कराते हैं डीलर से और पत्रकारों से चेकिंग करते हैं, ऐसी वॉइस भी हमारे पास है। राहुल कश्यप के संदर्भ में हमें कोई ज्ञान नहीं है और राहुल कश्यप के संदर्भ में आप जो हमें बता रहे हैं कि इस तरह का एक वो है तो उसके संदर्भ में आपके पास साक्ष्य हो तो हमें दिखाइए, फिर उसके संदर्भ में भी यह कार्रवाई किया जाएगा। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, डीलर हो या कोई भी हो, अगर इस समय वह इलीगल काम करता है तो उस पर NSA तक की कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से बार बार उन्होंने अपने सभी मीटिंगों में कहा है
और यह संदेश स्पष्ट रूप से जनपद के सभी डीलरों को, सभी स्टाफ के कर्मचारियों को कह दिया गया है। उनकी जो समस्याएं थी कि हमें बोरे का वजन कम मिलता है, उसे भी जिलाधिकारी महोदय ने दूर कराने का प्रयास किया है। हर सेंटर पर उन्होंने जो है अधिकारी लगा रखे हैं कि निकासी के समय उपस्थित होकर निकासी दें। डीलरों को कहा गया है कि अगर वो उन्हें कम माल वहाँ मिल रहा है तो तत्काल वो अवगत कराएं, वो माल ना ले जाए, तुरंत सूचित करें कि हमें माल कम मिल रहा है। परंतु माल उठा लेने के बाद, अपने घर लाने के बाद, आपका ये कहना कि ये स्थिति है, ये स्वीकार्य नहीं होगा और कमी मिलने पर कार्रवाई ही की जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ताजगंज क्षेत्र पूर्ति निरीक्षक के नापाक मंसूबों से प्रतीत होता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ गरीबों के हित ही पत्रकारों की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और गरीबों के मुंह से छीनने वाले कोटेदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 7 इंडिया न्यूज के लिए विकास सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें महादेवी मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज, नई आबादी, अजीता का नगला, आगरा। संपर्क करें 9927087687।